हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ ईद स्पेशल सिख मसाला, व्हाइट सिख मसाला बना रही हूँ ग्रेवी के साथ। ठीक है, ज्यादा ग्रेवी नहीं रहेगी, मसाला ही रहेगा। और उसके लिए मैंने क्या क्या लिया, वैसे तो मैं जो ये मटन की सीख ली हूँ, आप चाहो तो चिकन की भी बना सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल पे पहले से ही मटन के और चिकन के दोनों सीख मौजूद है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए मैंने क्या क्या मसाले लिए वो देखो पहले। ठीक है, पहले तो ये सूखे मसाले देखो, ये मैंने नमक लियो आधा चम्मच। ठीक है, एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर लियो, एक आधा से टीस्पून उससे थोड़ी सी दो चुटकी भर मतलब गरम मसाला लियो, और ये आधा चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लियो, और ये ब्लैक पेपर है ये भी आधा चम्मच है। ठीक है, और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है, इसको भून के इस तरह से बारीक करके लियो, और ये मेरे पास घर की निकली हुई मलाई है। आप चाहो तो आप जैसा अमूल की फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। ये एक चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन डाल रही हूँ। ठीक है, एक चम्मच अदरक लहसुन जाएगा, और ये काजू है, दही, और अपना क्या बोलते हैं खसखस, पॉपी सीड भी बोलते हैं उसको, वो तीनों मिला के मैंने पेस्ट बना के लिए उसका। ठीक है, और ये मैंने दो प्याज को बारीक पेस्ट बने। ठीक है, और ये सीख में मसाले मैंने वही डाली हूँ जो पहले मैंने आपको बताई थी, मैं इसको फ्रीज करके रखी थी फ्रीजर में। ठीक है, आप नहीं देखे तो एक बार देख लो। मैं यहाँ पे देखो तेल रखी हूँ, अब इसमें तेल मेरा गर्म हो चुका है, इसमें प्याज डाल देती हूँ। ईद में ऐसे बना के रखी है ना, माशाल्लाह बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है। इसको अच्छे से प्याज को इसका पानी सूखे तक भून के लेती हूँ, अदरक भी साथ ही में भूनूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना ये इसी के साथ भुना जाएगा। अब मैं कोई ऐसे बाहर के ज्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, करती हूँ लेकिन बहुत कम करती हूँ। ठीक है, इसको मैं अच्छे से भून के लेती हूँ। देखो मसाला मेरा माशाल्लाह से अच्छा भुना गया है, देखो अदरक लहसुन और प्याज जितना भी इसमें पानी था ये पूरा पानी निकल गया। ठीक है, अब ये जो सूखे मसाले हैं ये डाल देती हूँ। गरम मसाला जैसा ऑप्शनल है, जैसा हम लोग सीख बनाते हैं उसमें भी हम लोग गरम मसाला डालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप अपनी चॉइस के हिसाब से गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ग्रेवी में डालेंगे ना अच्छा लगता है खाने में। ठीक है, अरे भाई इसको अच्छे से मसाले को भून के लेने का, इसी के साथ ये मैं जो काजू का और दही का पेस्ट लियो ना ये डाल दूंगी, और स्लो गैस करने का ये इस पॉइंट, क्योंकि हमारा दही फटने का चांस रहता है, और जो हमने काजू और खसखस डाली ना वो लगने का चांस रहता है, इसके लिए इसको स्लो करके अच्छे से भून के लेने का। इसमें ना थोड़ा सा दूध डाल के हम लोग भूनेंगे। ठीक है, पानी नहीं डालने का, व्हाइट ग्रेवी है ना तो पानी नहीं डालने का, दूध डालने का, क्योंकि दूध में थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। और ये मैंने जो सीख थे ना मेरे सीख को मैंने फुल पकाई नहीं थी, पूरा हल्का सा भून के रखी थी। ठीक है, इसको अभी मसाले में अच्छे से पका लेने का, पूरे सीख डाल दी मैंने। ठीक है, इसी के साथ अभी ये कसूरी मेथी भी जाएगी। ठीक है, अभी इसको हल्का से सीख टूटे ना हमारे ऐसे हिलाने का, हल्का से। ठीक है, अच्छे से इसको पकने देने का, इसको अभी जाएंगे 2 से 3 मिनट जाएंगे। इसको मैंने 3 से 4 मिनट रखी है। ठीक है, 2-3 मिनट ज़्यादा ही रखी मैंने, माशाल्लाह से देखो यहाँ मैंने जितना भी इसमें तेल ऑयल जितना भी डाली थी वो सब निकल के आए, और हमारे सीख भी लगभग अच्छे से पूरे पक चुके हैं। ठीक है, मैं इतने ही मतलब ग्रेवी रखूँगी, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी थिक मैं ग्रेवी रखूँगी, क्योंकि इससे भी और मतलब ड्राई करूँगी तो एकदम ही ड्राई हो जाएगा। ठीक है, अब ये घर की निकली हुई मलाई ये पूरी डालूंगी मैं, अभी इसमें एक चीज है जो हम लोग जो रेस्टोरेंट में उनसे जैसा ऑर्डर करके खाते हैं ना तो एक अलग से एक खुशबू टेस्ट आता है, बस वही हम लोग को देना है। अभी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा और हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या डालूँगी। इसको स्लो गैस पे ही रखने, क्योंकि मलाई डाल रही ना स्लो गैस पे रख के, अभी मैं आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना। बिस्मिल्लाह, इसको स्मोकी फ्लेवर दे रही हूँ।
क्योंकि हमारा जो है ये इसमें काफी आसानी होती है, आप अगर सीख बना के रखेंगे ना ये बनाने में काफी आसानी होती है। इसको 3 से 4 मिनट रुकूंगी मैं इसी तरह से ढक के, 2 से 3 मिनट हो गए माशाल्लाह से। अभी ये जो कोयले का हमारा भाप पूरा मैंने दे दिया आराम से, इसको साइड में करके देख रहे हैं आप कितना अच्छा स्मोकी फ्लेवर एकदम। अब मैंने गैस स्लो ही रखी थी, ठीक है, मैंने देखो अभी मलाई डालने के बाद भी इतना ठीक है, अब इतना गरम गरम तो कोई खाता नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही खाते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी इतनी ही ग्रेवी रखूंगी और इतना ही ठीक रखूंगी। अगर आप चाहो तो इससे भी ज्यादा और ठीक कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही रखूंगी। अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल के सर्व करती हूँ इसको, बस हो गया है देखो ये हमारा पूरा डन हो गया, पक गया। अब इसको ढक के छोड़ दो 5 मिनट, फिर उसके बाद खाने के लिए तैयार आई, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा तो उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपनी फैमिली और दोस्तों में भी शेयर करो, और आपको कोई नई चीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनूँगी, ठीक है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।